जुमतुल वदाए अज दुआवां दी कबूलियत दा देने आखरी जुमतुल मुबारक रमजानुल मुबारक दा आओ कुरान दा पैगाम लेके जाइए अपने घरां दे अंदर। पहले सुनो कुरान ते कुरान वाले दी शान, फिर मैं तुहानू कुरान दा पैगाम सुनावांगा। हुण पढ़िए कुरान भाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। परवरदिगार ने फरमा रहमान ने अपने यार नु कुरान सिखाया, नाले इंसान बाद च बनाया। फरिश्तिया ने इंसान दी तखलीक तो 1000 साल पहले मेरे आका ने फरमा ताहा ते यासीन सूरत दी तिलावत सुनी, पता लगया इंसान बाद च बनया, कुरान पहले भी मौजूद है। नौजवान जद जिबरील ने सीने न लगाया अर्ज की इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, आख्या पढ़ अपने रब दे नां दे नाल जेड़े रब ने तेनों पैदा किया है। किसे बंदे नूं कम आखियो ना करे, दूजी बार आखिए ना करे, तीसरी बार आखिए ना करे, उन्हों आखी दा तेनों रब दे नां दा वास्ता ही। जद जिबरील ने 3 बार आख्या इकरा पढ़ो मेरे नबी नहीं पढ़िया, अर्ज की इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, पढ़ तेनों तेरे रब दे नां दा वास्ता ही। जिबरील एक आयत सुनाना है, मेरे नबी ने 5 आयतां कोलो सुना के दसिया, मैं तेरे कोलो नहीं पढ़ना, मैं पढ़िया पढ़ाया छोटा जा नुकता अर्ज करना जे समझ आओ, बस शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरे नबी नो कुरान कदों दा आउंदा सी? मैं पहले दस लवा, मेरे नबी नू जिबरील ने नहीं पढ़ाया। मत कोई ये समझे कि होरे जो गारे हिरा च नज़ूल कुरान होया ते जिबरील वही लेके आए, होरे उदू नबी पाक नू कुरान आया, होरे जिबरील ने पढ़ाया। कई लोगों ने लिखा वेखो ना जिबरील नबी का उस्ताद है, ना ना। आओ मैं तुहानू दसा मेरे नबी कदों का कुरान पढ़िया, तो किन्ना कु पढ़िया, तो किवें पढ़िया, पढ़ाण वाला कौन सी? गिरामी कदर हजरात, अल्लाह ने कुरान पाक च फरमाया وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب تسی خلق عظیم تے فائز ہو وارث ہو۔ سبحان اللہ، بات سمجھنی ہے۔ خلق، خلق کینو کہندے نے؟ ایک لفظ ہوندا خلق، ایک ہوندا خلق۔ خلق دا معنی ہوندا پیدائش، تخلیق کرنا۔ خلق ہوندی ہے انسان دی عادت۔ سبحان اللہ، तवज्जो है। खलक होर होता है, खुलक होर होता है। अल्लाह फरमाया इन्नका लअला खुलकिन अज़ीम, तुसी खुलक अज़ीम दे वारिस हो, खुलक अज़ीम दे उत्ते फाइज़ हो। इंज कह लवां के खलक इंसान दी ज़ाहर दा ना है ते खुलक इंसान दे बातिन दा ना है। जदों इंसान पैदा होता है वह खलक भी होता है ते खुलक भी लैके आंदा है। खलक इंसान की तखलीक यानी ओदी सूरत ते खुलक सीरत। इंसान नाल लेके आंदा है। मैं इहदे ते लंबी बहस नहीं करनी, इह फिर किसे वेले अखलाक रसूल ते गल करांगे ते इहदे ते बहस करांगे। हुण अल्लाह फरमा रहे कि तुसी खुल्क अज़ीम ते फाइज़ हो। वा इन्नका लअला खुल्कन अज़ीम, किसे ने ना अम्मा आयशा सिद्दीका नूं पुछया कि नबी पाक दा अखलाक की है, किवें दा अखलाक सी नबी पाक दा? अम्मा आयशा सिद्दीका ने इक्को ही जुमले च सारी गल सुना दित्ती। फरमांदियां ने काना खुलकुल कुरान, फरमांदियां आ जिहड़ा कुरान है ना ये सारा ही नबी दा इखलाक है। आ जिहड़ा कुरान है सारा नबी दा। मेरा दिल करता मैं पहले तर्जमा हज़रत मियां मुहम्मद बख्श को करवा देवा ताकि तुहाडा थोड़ा जिहा ज़ौक जिंदा होवे ते मैं तुहानू अपनी गल आसानी दे नाल समझा सका। मियां मुहम्मद बख्श ने ना इहदा तर्जमा 2 ही मिसरियां च फरमा दिता। आरवे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ज़ेरा ज़बरा ए ज़ेरा ज़बरा ते शता मदा
सब शान तेरी बिच आईया आप इरशाद फरमा दिया ने कान खुलक हुल कुरान आज जड़ा कुरान है ना ये नबी दा खुलक है हुन कुरान कदों दा इते इंसान दी तखलीक तो पहले सी ते अमाशा की फरमारियां कान खुलक हुल कुरान जड़ा कुरान है नबी दा खुलक है हुन कुरान ते इंसान दी तखलीक तो भी पहले सी मैं होर आसान कर देवा कुरान आया ना जब जिब्रील कुरान लेके अल्लाह ने इरशाद फरमाया नमाज पढ़ो सानू पता लगे अल्लाह नु नमाज पसंद है अल्लाह ने फरमाया सच बोलो सानू फिर पता लगे सच बोलना अल्लाह नु पसंद है अल्लाह ने इरशाद फरमाया गरीबा नाल प्यार करे आज पता चल गया अल्लाह नु गरीबा नाल प्यार करना पसंद है अल्लाह ने कुरान च फरमाया यतीमा दा ख्याल रखे आज सानू फिर पता चले आज अल्लाह नु यतीमा नाल प्यार करना पसंद है जदों कुरान आया सानू फिर पता चले अल्लाह नु की पसंद है अल्लाह नु की ना पसंद है इनु ही खुलक किया जाता है इनु ही अखलाक किया जाता है जड़िया चीजा अल्लाह नु पसंद नहीं ओ इंसान पसंद आवन जड़िया अल्लाह नु ना पसंद नहीं ओ इंसान ना पसंद आवन अमाया जा फरमा दिया ने कान खुलक हुल कुरान कुरान नबी दे अखलाक दा ना है पता चलिया सानू ते कुरान आया ते चंगे मंदे दा पता लगया कुरान अजे आया ही नहीं ओ जेड़ियां गल्लां रब नू पसंद ने ओ पहले दिन तू नबी दी खुलक च मौजूद और आसान कर दे नबी पाक दी अम्मी फरमा दिया जदो आए ना नबी पाक दुनिया ते तशरीफ ले आए ते आप फरमा दिया आउंदे ही सजदा कीता अच्छा जे कुरान नहीं आया बात समझ रहे हो अजे कुरान नहीं आया के कुरान आके अकीम उसला नमाज पढ़ो सजदा करो पर नबी पाक जब मां दी गोदी च आए ना ते पहले वेले जेड़ा काम कीता उस सजदा अच्छा सजदा खुलक है के नहीं सच्ची दस आज सजदे च वेख के लगदा ना बंदा नेक है हुन सजदा खुलक है इखलाक दी एक सिफत है मेरे नबी ने आउंदे सजदा कीता जद गेना महलीमा दे घर ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਖੇਰ ਲਈ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜੁਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਵਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਕਸੀਰਾ ਸੁਬਹਾਨੱਲਾਹ ਬੁਕਰਤੁ ਵ ਅਸੀਲਾ पहला जुमला मेरे नबी ने अपने लबा मुबारक चो जेड़ा इरशाद फरमाया हुन है बचपने रसूल अज कुरान आया बोले अज कुरान आया नबी पाक 12 साल दी उम्र च मुल्क शाम अपने चाचा अबू तालिब दे नाल रस्ते च एक पादरी मिलया ओ पादरी ने नबी करीम अलैहि सलातो सलाम नु पुछया बचपन 12 साल दी उम्र ते कमरे च लै गया ते कहन लगा कि जरा अपने जागर ते सौ दी कैफियत दसे आ जे नबी पाक ने सारियां कैफियतां दसियां ना ते कहन लगा पुत्तां दे बारे तुहाडा की ख्याल है आ जेडे काबे च तुहाडे पुत्त ने मक्के दे अंदर उहनां दे बारे तुहाडा की ख्याल है नबी पाक ने फरमाया मेरे नाल वड्डा उहनां दा दुश्मन ही कोई नहीं सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह अजे कुरान आया नहीं ते नबी पाक 12 साल दी उम्र च ओ पादरी नु कह रहे ने मुल्क के शाम दे पादरी नु बहीरा राहब नु आप फरमा रहे ने पुत्तां दा मेरे नाल वड्डा कायनात च दुश्मन ही कोई नहीं ए मेरे रब दे दुश्मन ने मैं इन्हां दा दुश्मन आ अजे 12 साल दी उम्र है मेरे नबी दी नौजवान जदों कौल है दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल दी जवानी दे अंदर
ते राह विच नहीं मुलके शाम दे अंदर जदों बाबे ने आख्या पुत्तां दी कसम चुको ते परमासी बाबा अच्छा कदे झूठे रबां दीआं कसमां नहीं चुकियां नौजवान आउंदिआं ही सजदा कीता अम्मा हलीमा दे घर अल्लाह दी वादा नीयत दा ऐलान कीता 12 साल दी उम्र च दस्सिआ पुत्तां दा दुश्मन 30 साल दी उम्र च दस्सिआ 25 साल च दस्सिआ कि मैं पुत्तां दा दुश्मन पता चलिआ अल्लाह नूं जिहड़ियां गल्लां पसंद ने इक अल्लाह ने कुरान च दस्सिआ पर कुरान बाद च आया ओ सारियां सिफतां मुहम्मद च पहले मौजूद ने ना मुकदी मुका देवा जिब्रील ते 40 साल बाद कुरान लैके आया पता चलिआ कुरान होर कुछ नहीं रब ने यार दियां नातां लिख के भेजिआ कुरान मुहम्मद दियां नातां दे